स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज जैसा कि हम जा रहे हैं चटपटे जीरा आलू बनाने, तो यहाँ पर हमने आलू लिया है और यहाँ पर हमने कड़ी पत्ता लिया है, आलू को हमने उबाल लिया है, जीरा लिया है और यहाँ पर हमने भुना हुआ जीरा को पीस लिया है। हमने जीरे को पहले भून कर पीस लिया है। यहाँ पर हमने गरम मसाला लिया है और यहाँ पर हमने चाट मसाला लिया है, यहाँ पर लाल मिर्च लिया है और यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है। तो अब हम अपना यहाँ पर पैन को लिया है, जिस पैन का जी जो गैस है इसको स्टार्ट कर देंगे, ऐसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ऑयल को डालेंगे, हमारा गर्म हो गया है। ऐसे ऑयल को भी थोड़ा गर्म होने देंगे। ये हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा को डाल देंगे। जीरा जब हमारा थोड़ा चटकने लगेगा तब हम इसमें ये जो हमारा कड़ी पत्ता है इसको भी डाल देंगे। ये हमारा थोड़ा सा चटकना स्टार्ट हो गया है, जीरा हमारा थोड़ा सा हो गया, जिसमें हम कड़ी पत्ता को डाल उसके बाद हम इसका जो फ्लेम है इसको लो कर दिया है, इसको थोड़ा देर भूनने में, फिर इसमें हम आलू को डालेंगे। हमने आलू को इसमें डाल दिया, आलू को भी हम इसमें भूनेंगे। अब हम इसमें सारे मसालों को डाल देंगे। हमने इसमें सारे मसालों को डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक को डाल देंगे स्वाद अनुसार। और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, उबला हुआ आलू रहता है तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे नमक को इसमें। अब हम इसमें धनिया पत्ती को डाल देंगे। धनिया पत्ती को डाल कर फिर हम इसे मिक्स कर आपको प्लेटिंग कर दिखाते हैं। फिर गैस को भी बंद कर देंगे। ये हमारा चटपटा और मसालेदार जीरा आलू बनकर तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।